बीते दिनों बसई के बीजेपी नेता संजय पांडे पर व्यापारी राजकुमार यादव ने 1.2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आपके सामने अपनी बातें रखी थी। अब इस मामले में बीजेपी नेता संजय पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए राजकुमार यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी छवि धूमिल करने और उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई की बात की है। उन्होंने मेट्रो सिटी समाचार से बात करते हुए अपना पक्ष रखा और राजकुमार यादव के आरोपों पर बिंदुवार जवाब दिया। आइए जानते हैं कि मामले में संजय पांडे का क्या कुछ कहना है। यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो क्या आपका इस बारे में क्या पक्ष है, क्या आपके पास आपका क्या कहना है? नमस्ते, आपके चैनल से मुझे मालूम पड़ा कि एसएसआर राजकुमार जी ने स्टेटमेंट दिया है कि 1.2 करोड़ 1.2 करोड़ 2 लाख संजय पांडे मुझे देना निकलता है, तो ये उसने झूठा बताया है क्योंकि मेरे को उसने मेरा उसका साठे करार हुआ था, मेरा साठे करार उससे हुआ था 5.5 लाख रुपये गुंठे से, और उसमें स्टेटमेंट में बताया कि 6 लाख रुपए गुंठा, और उसमें स्टेटमेंट की मुझे जो जैसे देखा मीडिया के हिसाब से कि उन्होंने बताया है कि मुझे 24 ही लाख मिला है, 24 लाख और 1.2 करोड़ तो उनके उन्होंने नोटिस ये भेजी थी मुझे 67 लाख रुपया संजय पांडे से लेना निकलता है, जगह का जो बयाना दिया था उसने उसका, तो इसका जवाब मैं उनको जवाब रिटर्न में दिया। रमेश गोंसाली भी हमारे वकील थे कि भाई आपका जो भी हिसाब बनता है लेके रिटर्न ले लो आपका, तो उन्होंने मेरे से पैसा बाकी करते करते धीरे धीरे सब पैसा मेरे से ले लिया है, और कैसे लिया है वो भी मैं बताता हूँ। ये पुलिस कंप्लेंट गावरेपाड़ा में उसने 2014 में किया था कि भाई मेरा हिसाब किताब निकलता है तो आप जरा दिलाइए, तो उधर ही बैठ के हमारा हिसाब किताब हो गया था, 66 लाख इनको रिटर्न देना था, वो भी इन्होंने कस्टमर से उठा के दूसरे कस्टमर से उठा के चाली बनाने के लिए सबसे पैसा उठाया था, और पैसा ऐसा इन्होंने देखो मैं कैसे कैसे दिया हूँ, पहले तो 15 लाख में इनको चेक से दिया हूँ, चेक से उनका कोटक बैंक से उनका चेक उनके अकाउंट में पास हो गया है, उसके बाद बेबी भाई को मैंने बेबी भाई के अकाउंट में पैसा डाला 12 लाख, और बेबी भाई ने उनको 12 लाख दिया रिटर्न दिया। बेबी भाई कौन है? बेबी भाई जगह की मालकिन थी, उसके भी हिस्से में जगह थी, और ये 20 लाख रुपए का उसका 10-10 लाख का कैश ट्रांजेक्शन का उसका सिग्नेचर है राजकुमार यादव जी का, दो है 10-10 लाख के दो पेमेंट कैश वो कैश का इधर उधर था, और उसके बाद मैंने उनको राजकुमार जी ने इनके राम रतन प्रसाद चौहान इनको जगह वहां बेची थी, इनका भी पैसे उठा के उनको दे नहीं रखा राजकुमार यादव, उनको रिटर्न दे रहे था, ये लोग भी क्राइम में गए थे राजकुमार के ऊपर कंप्लेंट देने के लिए, तो ये लोग ने ऐसे मुझे संजय मेरे को फोन किया, अरे संजय भाई वो राजकुमार यादव का क्या है उसका आपका कुछ है क्या? तो मैं बोला भाई राजकुमार यादव को 10-12 लाख रुपए देना मेरा निकलता है चाहिए, तो आप उनसे बात करा दो मैं आपको पैसा दे देता हूँ, तो मैंने उनको रिटर्न पैसा दिया और राजकुमार यादव को मैं बोला सिग्नेचर लेके आना राजकुमार यादव का, तो ये राजकुमार यादव जी ने सिग्नेचर करा के उनका कैंसिलेशन करवाया है, ये राजकुमार यादव का फोटो भी दिखाता हूँ, इसमें 8 लाख आपने दिया है। हाँ 5 लाख और 3 लाख दो जन के एग्रीमेंट राजकुमार ने किए थे, ये राजकुमार का फोटो भी दिखाता हूँ, ये है और ये 5 लाख और ये 3 लाख चौहान और यादव जी के पैसे ले थे, और ऐसे बहुत जन के पैसे उन्होंने उठाए थे चाली बनाने के लिए, और ये चेक से मैंने उनको पैसा दिया हूँ रिटर्न राजकुमार जी को, और कंफर्म आप कर सकते हो 2-2 लाख के सब पैसे पकड़ के 2 लाख फिर ये 2 लाख फिर ये सब पेमेंट 5 लाख फिर ये ऐसे 2 लाख ये आप चेक का नंबर ले लो, आप वेरीफाई कर सकते हो कि पास हुआ है कि नहीं, और मेरे को हाँ तो मैंने जो इनको पेमेंट दिया है जो राजकुमार मोतीलाल यादव जी जो स्टेटमेंट न्यूज़ पे दे रहे थे जो भी उनका, तो सबसे पहले तो मैंने राजकुमार यादव जी को 12 लाख रुपया बैंक से चेक से दिया हूँ, उसके बाद 12 लाख मैंने बेबी भाई को देके बेबी भाई ने उन्होंने रिटर्न इनको चेक दिया है 24 लाख हो गया, और वो बोलने के हिसाब से वो बता रहे कि खाली 24 लाख मुझे मिला है ऊपर पैसा नहीं मिला, तो बहुत सारा झूठ बोल रहे हैं, वो भी मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे ऑफिस में एक लतखोर था जो आज गाड़ी फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, वो परमार जो किशन परमार जो मर गया फांसी लेके उसी की गाड़ी लेके घूम रहा है नाम पे, क्योंकि इन्होंने क्या किया नाम पे खुद के भाई के करवा लिया था गाड़ी,
और फिर बाद में उसको रोज दमदाटी देते थे कि गाड़ी मेरे भाई के नाम पे है, तू मेरे को गाड़ी दे जाने के लिए इधर उधर नेतागिरी करने, तो मैं गाड़ी खींचूंगा। तो वही उसको भी रोज टेंशन देते थे। वो मुझे मालूम था कि उसकी बीबी भी आई थी मेरे इधर, तो मैंने बोला भाई क्या कर सकता हूँ, चौकी में जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो हुई फंसाया गया है। और उसके बाद यादव जी मेरे पास आ गए, वो भी हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास यादव जी गए थे रामनारायण, तो उनको सरकारी नौकरी लगाने के लिए उन्होंने पैसा लिया। तो यादव जी भी मेरे पास आ गए और मैं यहाँ कार्यालय लेके बैठा हूँ। तो उनको शक हुआ कि संजय पांडे जी ने तो इनको यादव जी को ये नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, और मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे और मुझे नहीं कर रहे। तो वो चाल पीछे से चला के जो लतखोर है जो गांव से आया था तो रहने के वांदे थे, वो मेरे इधर फोटो मारने के लिए ऑफिस में बैठता था, काम करता था, तो वही पीछे से जड़ खुद इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं इनका पेमेंट बताता हूँ जो पीछे से झूठा बता रहे। उसके बाद 10-10 लाख के दो कैश दिया हूँ मैंने, चेक रिसीविंग लिया उससे पावती पे राजकुमार यादव जी का। उसके बाद 6,25,000 की इनोवा गाड़ी दिया मैंने, चेरी रेड कलर की गाड़ी थी। कभी दिया था ये? 2-4 साल पहले ही हो गया, 2000 वही टाइम ले लिया। फिर उसके बाद मुझे मिला तो मेरे पास आके ऑफिस में बैठता था, चाय पीता था। फिर उसके बाद मेरे को बोला भैया मेरे पास गांव में गाड़ी नहीं है, मुझे कोई स्कॉर्पियो भी रुपये दो। तो मैंने बताया कि मेरे पास घर पे गाड़ी पड़ी है 7499 ब्लैक कलर की गाड़ी, गाँव में तो चाहिए तो ले ले तेरे को गाँव में चाहिए। तो मैंने तो बोला भैया मैं आदमी भेजता हूँ गाँव में, खाली बोल देना फोन करके। तो मैंने घर पे फोन कर दिया तो राजकुमार का आदमी गया घर से मेरे गाड़ी लेके उसके गाँव किधर, उसका गाँव पता नहीं गाजीपुर या जौनपुर का है, तो वो भी गाड़ी लेके आया। उसके बाद ये ब्रिजेश यादव जी की जमीन चौहान जी लिए थे, चौहान जी और ये यादव जी, इनका राजकुमार पैसा दे नहीं रहा था। तो राजकुमार जी के जो दूसरे थे चाली वाले, उन्होंने वहां जगह ली थी। तो मुझे फोन आया कि भैया ऐसा थे राजकुमार हमारा पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्राइम ब्रांच में जा रहे हैं इनके राजकुमार के ऊपर FIR करने। फिर मैं बोला क्या मसला क्या है, तो मैं उनको बुलाया चौहान जी को और यादव जी को, मतलब मसला क्या है। तो उन्होंने बताया भैया हमारे पैसा ले रहा है, हमको जमीन दे रहा है कहीं ना कहीं, अरे खुद जमीन लेके गाड़ी ले रहा है, होटल डाल रहा है, सब जगह धंधा कर रहा है, हमको पैसा दे रहा नहीं, मैं हम लोग मर जाएंगे, हम लोग गरीब लोग है। फिर मैंने उनको बुला के उनका पैसा उनको रिटर्न दिया। मैं उनसे बोला राजकुमार का मुझे फोन कराओ कि भाई राजकुमार देना है कि नहीं पैसा। तो राजकुमार पहले तो मना कर रहा था, फिर मैं बोला राजकुमार तेरे पे FIR हो जाएगी क्योंकि तूने उनसे पैसा उठाया है और इनके पास राजकुमार का एग्रीमेंट भी है। ये राजकुमार का फोटो दिखाता हूँ और उनको जो इनका चौहान जी का और यादव जी का। तो मैंने इनको पैसा राजकुमार जी का पैसा मैं इनको रिटर्न दिया 3 लाख और 5 लाख, ये 5 लाख और 3 लाख वाले का दोनों का फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो देख लो। और ये पेपर में बोला अभी मैं पैसा देते तो ये पेपर मेरे पास जमा करो ओरिजिनल पेपर, क्योंकि बाद में मैं पैसा दिया हूँ मुझे प्रूफ चाहिए। राजकुमार के सिग्नेचर भी आगे सिग्नेचर है राजकुमार का, मैंने लिखा के लिया कि राजकुमार तेरे हवाले का पैसा मैं उनको दे दिया हूँ, ये पेपर मेरे पास रहेगा। तो राजकुमार तो पहले ना खिचपिच कर रहा था, लेकिन इसमें हमारे बड़े प्रोफेसर थे जो बड़े नामचीन है स्कूल वगैरह उनका, उन्होंने बोला संजय भाई ये लिखा के ले लो, राजकुमार थोड़ा गद्दार है और दारू बीरू पीता है, ऐसा उनको खबर था क्योंकि वो भी यादव है जो प्रोफेसर थे। तो मैंने लिखा के मेरे पास रख दिया ऐसा। और अब तो मैंने उनको 66 लाख के ऊपर ही पैसा 70,50,000 दे दिया राजकुमार जी को। हाँ, तो राजकुमार जी से मेरा एक बार पूरा पेमेंट एक बार फिर से बताइए कि आपने कितना दिया है उसका जरा। राजकुमार जी को सबसे पहले 12 लाख मैंने दिया, उसके बाद एक 5 लाख का मैंने चेक दिया शामरा। 12 लाख कैसे दिए? चेक से, सब चेक से, जो उन्होंने मुझे खाली 12 का ही दिया था, लेकिन मेरे के साथ मेरा वो मोड ऑफ पेमेंट बता दीजिए। हाँ, 12 लाख। फिर बेबी भाई का 12 लाख को बेबी भाई को मैं दिया, तो बेबी भाई ने इसको रिटर्न दे दिया 24। हाँ, ये क्योंकि ये बोलता मुझे चाली बनाने नहीं मिल रहा है और मेरे कस्टमर नहीं है मेरे पास, किसका पैसा था नहीं इसके पास, इन्होंने 200 कस्टमर से उठा के चाली का इसका धंधा है। तो मेरे के पास आया था तो मैं बोला ले ले, मेरे को भी जमीन ऐसा ही रखना नहीं है, तेरे को चाहिए तो ले ले, लेकिन मैं एजेंडस में दिया था, मेरा चाली बनाए या बिल्डिंग बनाए उसमें मेरा कुछ लेन देन नहीं रहेगा, क्योंकि क्या इनलीगल बनाएगा केस होगा तो फिर मेरे नाम पे आएगा, इसके लिए मैं उसको पहले से बोल दिया था। और उसके बाद 20 लाख रुपए 10-10 लाख के 2 कैश वाउचर पे लिया था सिग्नेचर, 44 लाख हो गया। फिर उसके बाद 10.5 लाख की गाड़ी दो, एक स्कॉर्पियो एक इनोवा, इनोवा मरून करल की इनोवा चेरी रेड टाइप में, हाँ वो दिया। और 8 लाख रुपए दोनों का जो जिनका राजकुमार पैसा दे नहीं पा रहा था उनको, हाँ एग्रीमेंट वालों का जिनका पैसा राजकुमार खा के बैठा था, वो लोग परेशान थे, रोते रोए आए, रोते हुए मेरे पास आए क्राइम पहले। हाँ, 54 और 8 62 और एक 5 लाख रुपए का मैंने उनको चेक जो मुझे दिया था विकास ग्रुप के नाम से, तो मैंने मेरे नाम पे नहीं किया, मैं डायरेक्ट उनको दे दिया भाई ले तेरा रफादर, और उसको मैंने पूरा पैसा दे दिया। और मेरा 3-4 लाख तो मैंने ज्यादा दे दिया उसको, 3 लाख रुपए का 3.5 लाख तो उससे मेरे को देने निकल रहा है, लेकिन ये झूठ अफवाह जो फैला रहा है मेरी बदनामी करने के लिए, इसके पीछे साजिश कर रहा है, वो भी मेरे पास ऑफिस में काम करने वाला जो था फोटो मारने वाला पानी देने वाला,
वही कर रहा, जो गांव से आया था भगाया गया था, रहने को नहीं था, वो हम लोग ने सहारा दिया, लेकिन आज का ऐसा है कि भाई जिसको सहारा दो वही पहले जड़ खोदता है, ये कहानी है हकीकत में। दिया राजकुमार यादव जी पे, चूंकि मैं कमिश्नर ऑफिस वाली चौकी और जहाँ डीसीपी अभी सब जगह दिया है कि इसने मेरे से पैसा लेते हुए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है अभी, कि मेरी मैं अभी पहले पार्टी में नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी पहले मैं काम धंधा में, यही मेरा प्लॉटिंग वगैरह का बिजनेस था, उसके बाद मैं अभी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो उसी भी छवि पे मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हारा बीजेपी में हो और बीजेपी साफ छवि वाली पार्टी है, तो तुम्हारे पे मैं करूंगा, तो मुझे इतना इतना पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पे वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा ऐसा कर रहा है वो। और मैंने ये कंप्लेंट उस पर दिया एफ आई आर करने के लिए, उस पर अभी एफ आई आर 420 499 504 506 ये गुना उस पर दाखिल करने के लिए कर रहा हूँ। और इसकी मुझे जो खुले सच्चाई से इंक्वायरी करके इस पर गुना दाखिल किया जाए, यही मेरी विनती है, क्योंकि किसी की छवि खराब ना करे। तो मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ सब पत्रकार बंधुओं से और जिसने वीडियो देखा है, कि राजकुमार यादव को मैंने और मेरा राजकुमार यादव जी का 66 लाख इसमें सेटलमेंट हुआ था, उन्होंने बोला मेरा 66 लाख निकलता है, उसने मुझे नोटिस के हिसाब से बताया था, लेकिन मैंने उसको 70,50,000 दिया, क्योंकि मेरे से दो गाड़ी ले लिया फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, उसमें मुझे बोला था कि मेरा पैसा तुमको रिटर्न जो है दूंगा, लेकिन अभी तक दे रहा नहीं, तो यही मैं आपसे गुहार लगाना चाह रहा हूँ कि मेरा ही पैसा निकलता है तो मुझे आप न्याय दिलाइए और मेरा पैसा उससे रिटर्न दिलाइए। मीडिया के बंधु से ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मैं इधर 100 साल से बैठा हूँ एक ही जगह पे, न कहीं भाग रहा हूँ न कहीं यही है, किसी को कुछ पूछना है या सच्चाई पे जाना है तो मेरे पास आके पूरा पेपर डॉक्यूमेंट उनका पेमेंट दिया हुआ सब चेक कर लो, फिर वो राजकुमार यादव ही खुद ही गलत निकल जाएगा, क्योंकि मेरे से पैसा लिया है। और ये क्यों हो रहा है मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मेरे ऑफिस में जो काम करता था लड़का वो ही मेरी छवि खराब करने देख रहा है, क्योंकि वो खुद ही मेरा छवि खराब करने देख रहा है और पीछे से उसको किस सबको लेके दारू पिला के उसको मेरी छवि खराब करने लिए देख रहा है। अनुरोध है तो कुछ भी खबर छापना है तो मुझसे पूछ के मेरा पेपर देख के सच्चाई पे जाए, आप सच्चाई राजकुमार करे या मैं गुरु, आप सच्चाई पे ही जाओ। और अनुरोध करता हूँ कि जो राजकुमार के पीछे है उसे सावधान रहिए, क्योंकि वो 10 घर बदल के आया हुआ है, 10 ऑफिस लतखोर है, बहुत जगह घूम के अभी एक जगह और बैठा, क्योंकि उसका खुद का ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, और 10 जगह कुंतार सबके जगह में जड़ करके झड़ा लगाता है, यही उसका काम है।